खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिनफिन एयर कंडीशनर, अब बिजली का बिल आधा, ठंडक ज्यादा। सिनफिन एसी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि लगभग 2 महीने से जो है पूरे देश में लॉकडाउन चला हुआ है। इस लॉकडाउन के समय में हरियाणा सरकार में 2 जो है बड़े काम सरकार ने किए हैं अपने खुद के विधायकों के लिए। पहला काम किया है हरियाणा सरकार ने, जो मंत्री जो है चंडीगढ़ में रेजिडेंस नहीं लेगा उसको जो है 1,00,000 रुपये महीना HRA दिया जाएगा। पहले जो कि 50,000 था, इस 1,00,000 में 80,000 रुपये जो है रेंट के और 20,000 रुपये बिजली बिल के लिए दिए जाएंगे। दूसरा जो है हरियाणा के विधायकों के लिए एक MLA जो हॉस्टल बनाया गया है और उस हॉस्टल में ठहरने के लिए विधायकों को कुछ पैसे जो देने होते हैं, उसमें जो है 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी है कि जिन MLO के पास जो है फ्लैट नहीं है वो उसमें जो है 3 दिन से ज़्यादा ठहर सकते हैं और रोज़ उन्हें 50 रुपये देने पड़ते हैं। जिन MLA के पास फ्लैट है लेकिन फिर भी जो वो अगर वहाँ ठहरना चाहें तो उन्हें जो है रोज़ 200 रुपये देने पड़ते हैं, वो सिर्फ 3 दिन के लिए ठहर सकते हैं। और तीसरा जो है MLA अपने गेस्ट को, अपने जानकार को, रिश्तेदार को अगर ठहराते हैं तो 700 रुपये रोज़ के हिसाब से देने पड़ते हैं और 3 दिन से ज़्यादा कोई भी MLA किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन अब जो यहाँ बहुत बड़ा जो है कोर उल्लंघन हुआ है, विधायकों ने अपने जानकार और रिश्तेदार को 15-15 दिन के लिए ठहराया है। और जब इसका बिल आया तो ये बिल आया था 5-5.5 लाख से ज़्यादा, लगभग 6 लाख रुपये। इस 6 लाख के बिल को भरने के लिए विधायकों को नोटिस दिए गए, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने। अब कमेटी ने एक नया फैसला लिया है, इस कमेटी ने कहा कि विधायक जो है जो 5.5 लाख से ज़्यादा बिल आए हैं, लगभग 6 लाख रुपये जो बिल आए हैं उसमें से सिर्फ आधा बिल ही भर दें, मतलब लगभग 3 लाख रुपये जो है विधायकों के बिल के जो है माफ़ कर दिए। इसमें से लगभग 15 विधायक शामिल थे और एक मंत्री जो अनूप दानक जी जो जसपा कोटे से मंत्री बने, दूसरे जो मंत्री बने दुष्यंत के बाद अनूप दानक जी, सबसे ज़्यादा बिल जो है अनूप दानक जी पर था। अकेले अनूप दानक जी पर जो है 2.5 लाख रुपये से का बिल था, यानी अनूप दानक जी को अब जो है 1.25 लाख रुपये देने पड़ेंगे। जो अदर विधायक थे जिनका बिल 3 लाख से ज़्यादा था उन्हें जब 1.5 लाख रुपये देने पड़ेंगे। यानी सरकार ने लगभग जो है 3 लाख रुपये बिल माफ़ कर दिया है 6 लाख में से। और ये वही सरकार है जो 1 महीने पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बार बार जो है लाइव आकर जो है भीख मांग रहे थे और कह रहे थे कि हरियाणा कंगाल हो गया है, विद्यार्थी जो 5-5 रुपये जो दान करें और किसान जो है हर क्विंटल पर 1 किलो गेहूँ जो है सरकार को दान करें। लेकिन जब इनकी खुद की बारी आती है तो ये लोग जो है 1,00,000 रुपये जो अपने ऊपर खर्च कर देते हैं और 1,00,000 रुपये जो माफ़ करने में पीछे नहीं हटते। दोस्तों अब आपको एक कमाल की बात बताता हूँ कि हरियाणा में जो है पिछले 15 साल से कर्मचारियों की जो है 35 साल नौकरी करने के बाद पेंशन नहीं बनती, लेकिन हमारे विधायक जी अगर एक बार शपथ ले लेते तो उसे अगले दिन नीचे विधानसभा भंग हो या विधायक का कुछ भी हो तो उसकी पेंशन बढ़ जाती है। और दोस्तों एक बार विधायक चुने जाने पर 1 बार पेंशन, 2 बार बने जाने पर 2री पेंशन, 5 बार विधायक बने जाने पर 5 बार पेंशन। अब भी जो हरियाणा के विधायक 2 लाख से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप जेल में चले जाइए आज भी हरियाणा के 3-4 विधायक जो है जेल में हैं। उनमें से सतबीर कादयान जी जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे वो जेल से जमानत पर आ गए थे, लेकिन 3 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके सुपुत्र डबवाले के विधायक अजय सिंह चौटाला जी और लाडवा के विधायक शेर सिंह बड़सामी जी आज भी 10-10 साल की जो सज़ा या अब तक मुजरिम है फिर भी जो है अपनी जो है पेंशन वो सरकार से लेते हैं। और दोस्तों इसके साथ कमाल की बात है, माननीय अजय सिंह चौटाला जी जो विधान जो आज भी जो है सजायाफ्ता मुजरिम है, उनके साथ हरियाणा पुलिस है 2-2 कमांडो जो है लॉकडाउन में दिखाई देते हैं, 2-2 कमांडो जो उनकी सुरक्षा करते हैं, जबकि वो जो है सरकार में जो है उप मुख्यमंत्री के पिता हैं। लेकिन अजय सिंह चौटाला जो है 10 साल के जो है सजायाफ्ता मुजरिम है, यानी विधायकों का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ दोस्तों अब मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ कि हरियाणा में जब भी इस तरह का मामला आता है तो विपक्ष जो है कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि विपक्ष के विधायक बीच में जो शामिल होते हैं। अब जो है जिस तरह से मामला आया 6 लाख रुपए का 3 लाख रुपए माफ़ कर दिए, किसी भी विपक्ष के सांसद विधायक ने इस पर जो कोई भी आवाज़ नहीं उठाई, नहीं विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ कहा, नहीं पूर्व विपक्ष नेता अभय सिंह चौटाला ने कुछ कहा। अब मैं आपको कमाली बात बताता हूँ दोस्तों, विधायक जो है एकमात्र ऐसी संस्था है कि जो अपनी तनख्वाह अपनी कलम से बढ़ा लेते हैं, मतलब कहा अगर भाई अपनी भैया कक्का लिखनिया, खुद जो है विधायक जो है अपनी तनख्वाह को अपने भत्तों को बढ़ा लेते हैं। इसके लिए ना कोई कमेटी होती, ना किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत होती, बस विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं और विधानसभा के जो विधायक इसको मान लेते हैं और उनकी तनख्वाह अपने आप बढ़ जाती है।
उनके बत्ते अपने आप बढ़ जाते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ जो है हरियाणा विधानसभा में सभी जो विधायक होते हैं उनको जो है एक लोन दिया जाता है मात्र 4%, साल के 4% के हिसाब से। मतलब दोस्तों सीधी सी बात यह है कि आप आरती से पैसे लेते हो 1,00,000 रुपये तो आपको ब्याज देना पड़ा 24,000 रुपये साल में, बैंक से लोग आपको ब्याज देना पड़ा 12,000 रुपये साल में, लेकिन विधायक महोदयों को साल में सिर्फ 4,000 ब्याज देना है। उनमें से भी कई बार जो है डिफाल्टर हो जाते हैं, ब्याज छोड़िए मूल भी नहीं भरते। अगर हमने किसी बैंक से ब्याज लिया है तो सरकार की गाड़ी चारों तरफ घूमती रहती है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने जो है डिफाल्टर मित्रों के 68,500 करोड़ रुपये माफ़ कर दिए थे। ऐसे इन विधायकों भी माफ़ हो जाते हैं। विधानसभा का ब्याज तो छोड़िए लोग मूल भी कई बार नहीं देते, इनकी पेंशन से ये कटता रहता है। अब जो है जिस तरह से इन्हें जो है 60,00,000 रुपये दिए जाते हैं मकान बनाने के लिए, 10,00,000 रुपये दिए जाते हैं मकान की रिपेयर के लिए, और 20,00,000 दिए जाते हैं अपने निजी व्हीकल के लिए। पिछली बार जब विधानसभा भंग हुई तो हमारे एक साथी आर्ट एक्टिविस्ट हेमंत कुमार ने सरकार से विधानसभा से इसका ब्यौरा लिया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब 1 दर्जन नाम दिए थे जो बड़े बड़े विधायक थे। मैं कहूँगा दोस्तों इनमें से कई विधायक तो ऑफिशियली तो अपनी प्रॉपर्टी 10 करोड़ दिखाते हैं, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि इनमें से कई लोग जो है 10 करोड़ नहीं 1,000-1,000 करोड़ के मालिक हैं। और जब जो है ये भी जो है विधानसभा से लोन लेते हैं, इनमें प्रमुख नाम आपको बताता हूँ दोस्तों, सबसे प्रमुख नाम है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने जो है पिछली विधानसभा के भंग होने तक 13,40,000 रुपये लोन लिया था। दूसरे बड़े नेता हैं सुभाष बराड़ा जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने जो है 25,80,000 रुपये लोन लिया था। तीसरे हैं हमारे देश के, हमारे प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री और पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनिल विज जी, 14,00,000 रुपये इन पर भी लोन था। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुकल जी ने 14,80,000 रुपये लोन लिया था। नायब सैनी जी जो पूर्व सरकार में मंत्री थे और हाल ही में कुछ तरह के सांसद बने हुए हैं, उन्होंने भी 54,80,000 रुपये लोन लिया था, सबसे ज़्यादा लोन उन्होंने लिया था। ललित नागर जी कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, वाड्रा केसकांड में इनका बड़ा नाम आता है, इनको संसदीय टिकट दे दी गई थी, बाद में टिकट काट दी गई थी, ये पूर्व विधायक थे। नागर साहब पर भी लोग जो है 50,00,000 रुपये लोन है। कंवरपाल गुज्जर जी जो हाल ही में शिक्षा मंत्री हैं, पिछली विधानसभा अध्यक्ष थे, 39,60,000 रुपये लोन है। संतोष यादव जी जिनकी इस बार टिकट काट दी गई है, पिछली बार विधानसभा उपाध्यक्ष थी, इन पर 33,60,000 रुपये लोन है। दिनेश कौशिक जी जो अमेरिका के NRI, जिन पर जो है NRI का कार्ड है, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, पुंडरी के इंद्र दिल्ली विधायक थे, उन पर भी 47,40,000 रुपये लोन है। कुल मिलाकर इन नेताओं पर जो है 4% के हिसाब से जो है 50,40,000 रुपये लोन है। ये लोन उनमें से बहुत सारे डिफाल्टर भी हो गए हैं, अभी तक लोन नहीं भर रहे हैं, और इनकी जो है पेंशन से ये लोन काटा जाएगा धीरे धीरे करके। तो दोस्तों ये नेता जो हजारों और सैकड़ों करोड़ और हजारों करोड़ के मालिक, मैंने पहले भी कहा था कि हरियाणा में 400 पूर्व विधायक सांसद और मंत्री हैं, इनमें से 300 की तो मैं गारंटी देता हूँ भाई अरबपति हैं, 100 करोड़ ज़्यादा प्रॉपर्टी है। अगर मना कर दे हो तो वैसे मेरे पर दावा कर लो, मेरे पर केस कर दो, मैं सरेआम कहता हूँ कि 300 करोड़ जो है 100 करोड़ के मालिक हैं। और लेकिन बैंक से 4% विधानसभा से 4% का लोन लेते हैं, लोन में भी डिफाल्टर करते हैं। और जब भाई MLA हॉस्टल ने पहले बताया था कि शराब खाना इन्होंने बना दिया था, इनके रिश्तेदार और गेस्ट रुकते हैं और वहाँ जो है अवैध कार्य भी होते हैं। पिछले दिनों ही हमारे जो है बड़ौदा के पूर्व विधायक का जानकार जो है वहाँ रुका था और जो है उन स्मगलिंग केस में नाम आया था। हालांकि विधायक सागर ने स्पष्ट कर दिया था कि वो जो उनका नज़दीकी पोता नहीं है, सिर्फ गाँव का एक निवासी था। इस तरह के बहुत सारे अवैध कामों में वहाँ नाम आता है और ये अपने जानकारों से वहाँ रुकते हैं और बाद में जो है उनके जो पैसे बनते हैं वो भी नहीं देते। हरियाणा प्रदेश पर 2,00,000 करोड़ रुपये का लोन हो गया है, सरकार जो है कहती है हरियाणा कंगाल हो गया है, विदर्भ से 5,000 रुपये मांगती है, लेकिन जब खुद का मामला आता है तो 1,00,000 रुपये माफ़ कर देती है और अपने जो है सब्सिडी पर बहुत थोड़े सस्ते रेट पर जो है अपने मकान के लिए, मकान की रिपेयर के लिए और अपने व्हीकल के लिए जो है 1,00,000 रुपये जो लोन लेकर उस पर मौज मस्ती करती हैं। धन्यवाद दोस्तों।